गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास टू चैप्टर 15 हिंदी फर्स्ट तोता नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर को रीड करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। बच्चों, आप तो तोते से परिचित ही होंगे। यह बड़ा ही निराला पंछी होता है। इसकी टाँ टाँ की आवाज़ सबको अपनी ओर खींचती है। आओ आपको इसके बारे में कुछ अन्य रोचक बातें बताते हैं। इसकी सबसे मज़ेदार बात इसका मनुष्य की सिखाई बातों को ज्यों का त्यों बोलना है। इतना ही नहीं, यह कुत्ते के भौंकने, बिल्ली के बोलने तथा बच्चों के रोने की भी नकल कर सकता है। अफ्रीका का स्लेटी तोता केवल रट्टू ही नहीं होता, समझदार भी होता है। उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वह वस्तुओं को पहचान सकता है तथा उन्हें गिन भी सकता है। वह अपनी तरफ से छोटे छोटे वाक्य भी बना सकता है। संसार में तोतों की 350 से अधिक प्रजातियां हैं। अधिकांश तोते हरे होते हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद तथा रंग बिरंगे भी होते हैं। तोते सामान्यतः पेड़ों के कोटर में अंडे देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में तोतों की कुछ प्रजातियां ज़मीन पर भी घोंसले बनाती हैं। तोते मुख्यतः अनाज, फल आदि खाते हैं। इनका पसंदीदा फल अमरूद और अनार है। ये मिर्च भी मज़े से खाते हैं। कुछ तोते कीट और छोटे जीवों को भी खा जाते हैं। तोतों को स्नान करना काफ़ी पसंद है। ये स्नान करने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं। इन्हें तैरना नहीं आता, इसलिए पानी में गोता लगाकर केवल अपनी देह गीली करते हैं। तोते की आयु 50 से 60 वर्ष की होती है। साथ ही यह सुंदर तथा गुणी होता है, इसलिए संसार में सबसे अधिक व्यापार इन्हीं का होता है। लोग इन्हें पिंजरों में बंद कर देते हैं। इन्हीं सब कारणों से इसकी कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कुछ पर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपने तथा अपनी भावी पीढ़ी के लिए इस जीव को बचा पाएंगे। अब हम आपको तोता नामक चैप्टर को अपने शब्दों में समझाएंगे। तोता बहुत ही अनोखा पक्षी होता है। उसकी आवाज़ सभी को अपनी ओर खींचती है। यह मनुष्य की सिखाई बातों को ज्यों का त्यों बोलता है। इतना ही नहीं, यह कुत्ते के भौंकने, बिल्ली के बोलने तथा बच्चों को के रोने की भी आवाज़ नकल कर सकता है। अफ्रीका का स्लेटी तोता रंग का तोता रट्टू ही नहीं समझदार भी होता है। वह वस्तुओं की पहचान कर सकता है। संसार में तोते की 350 से अधिक प्रजातियां हैं। अधिकांश तोते हरे रंग के होते हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद तथा रंग बिरंगे भी होते हैं। सामान्यतः तोते पेड़ों के कोटर में अंडे देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में तोते की कुछ प्रजातियां ज़मीन पर घोंसला बनाती हैं। तोते का रुचिकर फल अमरूद और अनार है। कुछ तोते कीट और जीवों को भी खा जाते हैं। तोते को तैरना नहीं आता, इसलिए पानी में डुबकी लगाकर अपनी देह गीली करते हैं। तोते की आयु 50 से 60 वर्ष की होती है। यह सुंदर तथा गुणी होता है, इसलिए संसार में सबसे अधिक व्यापार इसी का होता है। तोते को पिंजरे में बंद करने के कारण इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। यदि हम सभी इस ओर ध्यान देंगे, तभी भावी पीढ़ी के लिए इस जीव को बचा पाएंगे। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं।
निम्नलिखित में से सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, तोते काँव काँव की आवाज़ निकालते हैं, ये गलत है। दूसरा, तोते बच्चों के रोने की भी नकल कर लेते हैं, सही है। तीसरा, स्लेटी तोता अन्य समान तोतों की तरह रट्टू ही होता है, नहीं, ये गलत है। गा रिक्त स्थान भरिए। स्नान हरे 50 से 60 अफ्रीका। पहला डैश का स्लेटी तोता समझदार भी होता है। दूसरा अधिक अफ्रीका। दूसरा अधिकांश तोते डैश रंग के होते हैं, हरे। तीसरा तोते की आयु डैश वर्ष होती है 50 से 60। चौथा तोते को डैश करना काफ़ी पसंद है, स्नान। अंगा सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, तोते का पसंदीदा फल क्या है, अमरूद अनार। दूसरा, अपनी भावी पीढ़ी के लिए हम तोतों को कैसे बचा सकते हैं, संसार के सभी तोतों को आज़ाद करके। इस शब्द के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही, धन्यवाद।